नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉलर डिज़ाइन, अच्छी सी कॉलर डिज़ाइन। ये मैंने कॉलर लिया है, ये पेस्टिंग का टुकड़ा है, इसको यहाँ से एकदम मिला के पेन से आपको इस टाइप से मार्किंग करना है कॉलर से चिपका के। ये हमारा मार्किंग हो गया। अब कॉलर है हमारी 14 इंच, इसको यहाँ से 1 इंच कम रखेंगे, यहाँ से कॉलर से 1 इंच कम। यहाँ पे ये यह मार्किंग कर लिया, ठीक है, 1 इंच कम यहाँ पे आ रहा है। अब स्केल पट्टी लेना है, यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच, ये 1.5 इंच हो गया। यहाँ से रखेंगे 1 इंच और एक सूत, इसको इस टाइप से ये स्केल पट्टी रख के ये मार्किंग कर लेना यहाँ पे, ये लेना है अंदर, ठीक है, इतना अंदर। ये नीचे की साइड का हो गया, कॉलर के नीचे की साइड का, इसको काट लेंगे। ये मार्किंग किया हुआ है इसके ऊपर ऊपर, ये देखिए इस टाइप से हो गया, इसको भी ये मार्किंग किया हुआ यहाँ से ये काट लेंगे। ये हमारा हो गया, सॉरी इस टाइप से रहेगा, ये देखिए ये नीचे की साइड हो गया। अब हम काटेंगे ऊपर की साइड का, ऊपर की साइड का काटने के लिए आपको इस टाइप से उसी तरह से ये मार्किंग करना है, ऊपर की साइड से ये साइड रखना है, ये एकदम बराबर रख के इसको भी ये मार्किंग कर लेना है। ये हमारा हो गया मार्किंग, फिर इसको भी यहाँ से रखना है 1.5 इंच, ये 1.5 इंच यहाँ पे हो गया, और इसको रखा है हमने यहाँ से 5.5 इंच है, इसको भी यहाँ से रखेंगे 5.5 इंच। यहाँ से ये हमने कितना रखा है, 1.5 इंच रखेंगे, इसको 1 इंच और एक सूत रखा था, 1 इंच और एक सूत यहाँ पे आ रहा है। फिर स्केल पट्टी रखेंगे सीधा इस टाइप से और सीधा मार्किंग कर देना है, ये हो गया। फिर इसको काट लेंगे इसी तरह, उसको भी यहाँ से तिरछा रखा है इस टाइप से, अच्छे से काट लेना है। पहले पेस्टिंग पे कच्चा टांका लगा लेना है आपको। ये हो गया हमारा दोनों, ये कॉलर हो गई। अब इसको प्रेस से अच्छी तरह से चिपका लेंगे, ये स्टैंड पट्टी हो गई, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से प्रेस से इनको चिपका लिया है, ये देखिए इस टाइप से पलट के जो हमने पार्ट काटे थे, ये हमारी कॉलर हो गई। अब क्या करना है, इस कपड़े को काट लेना है, कॉलर अलग कर लेना है। ये स्टैंड पट्टी एक बार रख देते हैं साइड में, इसको बराबर काट लेना है। इस टाइप से ये देखिए, इस कपड़े को एक बार रख देते हैं साइड में। अब लेते हैं इसका पार्ट, जो ये कपड़ा छोड़ के रखा है वो लगेगा ऊपर की साइड, और ये लगेगा नीचे की साइड। तो नीचे की साइड वाला पहले लगा लेते हैं, देखिए बीच में ये मार्किंग कर लेते हैं, इसके भी बीच में ये मार्किंग कर लिया, इसको एक बार साइड में रख देते हैं। अब देखिए ये बीच का मार्किंग है, उसको आपस में मिला लेना है दोनों को, फिर यहाँ से लगानी है सिलाई इस टाइप से। बीच का जो मार्किंग है वो आपस में मिलना चाहिए दोनों का। अब यहाँ पे सिलाई लगानी है, आप चाहो तो बूंट की लगा सकते हो, नहीं तो किनारे से भी लगा सकते हो, मैं तो आप बूंट की लगा रहा हूँ।
ये एक साइड का पार्ट हमारा लग गया। अब क्या करना है, ये जो हमारा पार्ट है ऊपर वाला, इसका भी सेंटर लेंगे इस टाइप से। ये सेंटर हो गया, कॉलर का भी बीच का सेंटर ले लेंगे। यहाँ पे आ गया। अब इसको इस टाइप से एक बार सिलाई लगा लेंगे पेस्टिंग के किनारे से, इस टाइप से। सॉरी ये मिलाया नहीं हमने, मिला लेते हैं। ये बीच वाला मार्किंग है, उसको मिलाना है अच्छे से। अब ये सिलाई लगानी है इस टाइप से, सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। ये नीचे वाला का पेस्टिंग है, वो सिलाई में नहीं आना चाहिए, तभी हमारा सफाई से आएगा कलर। ये हो गया। अब इसके भी लगा लेंगे सिलाई। इस टाइप से ये दोनों पार्ट लग चुके हैं। अब कलर का अस्तर लेंगे। ये अस्तर ले लिया है, इसको रखेंगे सीधा, इसके ऊपर रख देंगे कॉलर। गट्टी चेंज कर लेते हैं, ये ब्लू कलर की है, ये मैंने वाइट कलर की गट्टी लगा ली। अब इस पर लगाएंगे सिलाई। इस टाइप से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है आपको। सिलाई लग गई, एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। अब इसको पलट लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस टाइप से, इस साइड भी पलट लेना है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इस पर सिलाई लगाएंगे, नाखून से एक बार सही कर लेते हैं इसको। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको काट लेंगे। अब लेंगे इसकी स्टैंड पट्टी। ये रही हमारी स्टैंड पट्टी, इसको करते हैं कंप्लीट। सिलाई लगा ली। अब ये कपड़ा है, ये काट लेंगे। डिज़ाइन बहुत बढ़िया बनेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पूरा वॉच करें, तभी आपके समझ में आएगा। अब इसका भी सेंटर लेंगे, ये बीच का मार्किंग यहाँ पे हो गया, बीच का बीच में मिलाएंगे। फिर इस टाइप से ये सिलाई, अब लेंगे अस्तर। ये अस्तर ले लिया है हमने,
ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। इस टाइप से आप इसको स्टैंड पट्टी को पलट लेना है। यहाँ पे नाखून से एकदम बढ़िया से बना लेना है। अब यहाँ पे लगाएंगे बूट की सिलाई। ये सिलाई के लिए यहाँ कपड़ा छोड़ देंगे एक्स्ट्रा। ये देखिए दोस्तों हमारा कॉलर तैयार हो चुका है। मैं इसको आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए हमारी कॉलर एकदम कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बटन लगाया एक एक दोनों साइड। ये देखिए दिखने में कितनी अच्छी है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।